हम मौजूद हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है भव्य रोड शो। और उस रोड शो को लेकर क्या उत्साह है बनारस के लोगों में, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहां पर अभी से लोगों के इकट्ठे होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, और सबसे ज्यादा चुनौती पुलिस की हो गई है। रोड भी डाइवर्ट करना है, पीएम को देखने आने के लिए लोग अभी से जो इकट्ठा हुए हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं मैनेज करना है, इसलिए पुलिस की मुस्तैदी भी लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, तेज धूप है और तपती गर्मी है, उसके बावजूद लोग सुबह से यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, जबकि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करना है। तो एक तरफ बनारस में आज पीएम आ रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, और आपको जानकारी दे दें कि 10 साल में 48 बार पीएम काशी आ चुके हैं, अपने संसदीय क्षेत्र आ चुके हैं, और यहाँ पर पीएम आ रहे हैं तो उनके स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन इस वक्त निगाहें सभी की बनी हुई है 10 राज्यों की 96 सीटों पर, जहाँ चल रहा है चौथे चरण का मतदान। आज बड़ी बड़ी सीटें हैं जहाँ पर वीवीआईपी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। हैदराबाद भी जहाँ असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता के बीच में फाइट नजर आ रही है, तो वही उत्तर प्रदेश की 13 सीटें जिसमें कन्नौज भी शामिल है, जहाँ से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, उनको लेकर भी आज मतदाता अपना फैसला कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि पब्लिक क्या सोचकर ईवीएम का बटन दबा रही है, पोलिंग बूथ पर कौन सा मुद्दा भारी है, यूपी की 13 सीटों की क्या रिपोर्ट है, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे जो मतदान केंद्र की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आइए जल्दी से आपको बता देते हैं अभी तक का मतदान फीसद क्या रहा है। दोपहर के 12 बज चुके हैं, 5 घंटे के अंदर 95 सीटों पर 26% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। वोटर्स के बीच पोलिंग को लेकर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। यूपी की 13 सीटों की अगर आप बात करिएगा तो 28% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। वहीं बिहार की 5 सीटों पर 24% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं वोट पड़े हैं तो वो है पश्चिम बंगाल। देखिए, बीते 3 चरणों का जो ट्रेंड रहा है वही चौथे चरण में भी मेंटेन है। पश्चिम बंगाल में बढ़ चढ़कर जो मतदाता हैं वो हिस्सा ले रहे हैं मतदान करने के लिए और पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, 34% से ज्यादा अभी तक वोट डाले जा चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 34, महाराष्ट्र में 19, तेलंगाना में 5 घंटे के अंदर 26, आंध्र प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर 24, उड़ीसा में 25, और इसके साथ ही साथ श्रीनगर लोकसभा सीट पर 16% से ज्यादा वोटिंग अभी तक हो चुकी है। आधा दिन हुआ है और अभी आधा दिन बाकी है, ऐसे में मतदान फीसद बढ़ने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। तो पूरे देश में मतदान चल रहा है, 10 राज्य हैं, 96 सीटें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की 13 सीटों का हाल क्या है आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। यूपी की 13 सीटों पर बम्पर वोटिंग हो रही है, खासतौर से यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों पर जमकर वोट डाले जा रहे हैं। कन्नौज की बात करूं तो अखिलेश यादव की सीट पर अब तक 32% से ज्यादा जो मतदान है वो हो चुका है। वहीं खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी, जो विपक्ष के जबान पर रहते हैं और इसके बहाने बीजेपी पर खूब अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार फिर से इन्हें मैदान में उतारा गया, इनकी सीट पर अगर बात करें तो 31% मतदान हो चुका है। साक्षी महाराज, जो कि जीत की हैट्रिक लगाने की मंशा से मैदान में उतरे हैं, उनकी सीट पर 29%। कन्नौज में अखिलेश यादव को बीजेपी के सुब्रत पाठक कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं अजय मिश्र की खीरी सीट पर भी कांटे की लड़ाई चल रही है। तो यूपी की सीट का ये जल्दी से आपको ब्यौरा दे देते हैं। कन्नौज में 32, उन्नाव में 29, खीरी में 31, इटावा में 26, शाहजहांपुर में 26, धौरहरा में 31, सीतापुर में 31, हरदोई में 29, मिश्रिक में 28, फरुखाबाद में 29, कानपुर में 23 और अकबरपुर में 27, जबकि बहराइच में 30% जो मतदान है वो अभी तक हो चुका है। अब आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड की रिपोर्ट क्या चल रही है, मतदाता कैसे इतनी गर्मी में अपने घर से बाहर आ रहा है और किन मुद्दों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हैं, शोएब रजा कन्नौज से, विशाल प्रताप सिंह उन्नाव से, मनीष भट्टाचार्य लखीमपुर खीरी से, और इलाका में इटावा से हमारे साथ हैं। सबसे पहले शोएब, आपके पास आऊंगी, यूपी की वो सबसे चर्चित सीट है कन्नौज, क्योंकि अखिलेश यादव मैदान में है, सुब्रत पाठक जो 2019 में डिंपल यादव को हराकर मैदान में आए हैं, कितनी कड़ी फाइट दे रहे हैं अखिलेश यादव को? बिल्कुल, देखिए फाइट तो कड़ी है, लेकिन ये अच्छी बात है, सुबह से जो हम देख रहे हैं कि यहाँ मतदान खूब हो रहा है। सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगी थी, हालांकि अभी थोड़ा दोपहर है और तेज धूप हो गई है तो थोड़ा कम आपको दिखाई देगी, लेकिन जो वोटर्स है वोटर जरूर यहाँ पर हमारे साथ है जिन्होंने मतदान किया है। तो अभी उम्मीद है कि जैसे ही थोड़ा धूप कम होगी फिर से उसी तरह की लंबी लंबी जो कतारें है वो यहाँ पर दिखाई देगी। आप सबने वोट डाल दिया? जी हाँ। निशान दिखाइए आप, क्या नाम है आपका? संजय सिंह गिहार।
संजय सिंह जी हाँ, संजय सिंह साहब ये बताएं कि आपके जहन में क्या मुद्दे थे जब वोट डाला, क्या चाहते हैं नई सरकार से, क्या हो? मुद्दा तो विकास है, प्रमुखता से महंगाई है, बेरोजगारी है। वर्तमान, पहले तो हम लोग सांसद की बात करें क्योंकि एक तो ये चुनाव जो है, हाँ, तो वर्तमान सांसद ने यहाँ कुछ किया तो है नहीं। नाराज है आप सांसद? जी हाँ, सांसद से नाराज है इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। और बढ़िया लगता है आपको? अखिलेश जी से बढ़िया तो यहाँ कोई नेता है ही नहीं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है और मैंने रोजगार के मुद्दे पर वोट किया है। जैसे आज माँ बाप अपना पेट काटकर बच्चों को तैयारी कराते हैं, अच्छे काम बड़े शहरों में भेजते हैं, माँ बाप खुद अपना कपड़ा नहीं पहनते हैं और बच्चे को जूता चप्पल कपड़ा सब पहनाते हैं, उसके बाद सालों तैयारी करने के बाद पेपर लीक हो जाता है। आप ये सोचिए उसे एक घर की दशा क्या होती है, माँ बाप अपना जेवर तक गिरवी रख देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। करते हैं या क्या कर रहे हैं? जी मैं MSc एग्रीकल्चर केमिस्ट्रीज की हूँ, उसके बाद मैं BEd टेट सीटेट क्वालिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन ये तो जनता जनार्दन है, सब जानती है। जो उनके मुफीद के मुद्दे हैं वो मुद्दे उन्हें याद भी रहते हैं और उन मुद्दों पर वोटिंग भी होती है, जो हमें कन्नौज में दिखाई पड़ रहा है। अब आइए लखीमपुर खीरी का मिजाज पता कर लेते हैं, वहां पर मनीष भट्टाचार्य मौजूद हैं। मनीष बताइए, अजय मिश्र टेनी जो बड़ी चर्चा में रहते हैं, उनके बेटे बड़ी चर्चा में रहते हैं, विपक्ष के निशाने पर रहते हैं, यहां पर मतदान किन मुद्दों पर हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल प्राची, मैं उस जगह पर मौजूद हूँ तिकुनिया के पास, जहाँ पर पूरे देश में सुर्खियाँ बटोरी थी यहाँ की घटना ने, और यहाँ के जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं वोट डालने के लिए। लोग क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिलसाद हुसैन। क्या करते हैं आप? ट्रैक्टर का काम। क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे हावी है, क्या सोच के आप लोग वोट कर रहे हैं? वोट के बारे में क्या बता पाएंगे, नहीं बताना चाहते हैं। क्या नाम भैया आपका, क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए? नाम क्या है, किस मुद्दे पे? नदीम अंसारी। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं ये तो बताइए? विकास वगैरह कुछ मुद्दा? विकास का मुद्दा है। किसने किया है विकास? यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ अभी तक। अभी तक उम्मीद है आगे होगा, कौन करेगा? बदलाव होगा तभी विकास होगा, बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद अंसारी। खालिद जी, क्या लग रहा है आपको, किसने बेहतर काम किया है और किससे उम्मीदें हैं? उम्मीदें क्या बताएं, जो इस समय जो काम ही नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर। क्या काम नहीं हुआ, किस चीज़ की कमी है? कमी क्या, आप जो सामने है आपके जो कुछ है, कुछ नहीं किया है। आपका क्या नाम है? मारूफ। मारूफ, मारूफ कुछ काम हुआ है, कुछ विकास हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कौन बेहतर नेता है देश में? अब बेहतर नेता क्या, आप सीट चेंज होगी तभी समझ में आएगा, बदलाव चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो वोटर्स यहाँ पर मैदान में मौजूद हैं वो तो बदलाव की बात कर रहे हैं, तमाम लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। देखिए क्या नाम है भाई साहब आपका? हरीश चंद्र। हरीश जी, लोग कह रहे हैं यहाँ पर बहुत बदलाव की ज़रूरत है, आपका क्या मानना, कौन से मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं? जो है सब ठीक है, जो है सब ठीक है, जो है सब ठीक है, जो है सब ठीक है। क्या नाम भैया? अमान। अमान भाई, आप बताइए किस मुद्दे के आधार पर वोट कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? वही सबसे मेन मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का है, और कौन अनएम्प्लॉयमेंट का ही है, और कौन सा? एक आ रहा हूँ जी। तो आपने सुना मनीष भट्टाचार्य की रिपोर्ट, आपने देखी और लोगों की बात भी आपने सुनी। अब देखिए आपको लेकर चलूंगी मैं लखनऊ से सटी हुई उन्नाव सीट पर, जहां साक्षी महाराज अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और 370 का जिक्र उनकी तरफ से भी किया जाता है, और 370 का जो जिक्र है वो यहां बनारस में भी हो रहा है। बड़े बड़े कटआउट्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए, 370 हटी, शांति, सुरक्षा, विकास, मोदी की गारंटी, ऐसे पोस्टर्स बनारस में पटे पड़े हैं। अब आइए उन्नाव में जान लेते हैं। साक्षी महाराज विशाल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, पूरे विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, असल में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वोटर्स का मूड क्या है? प्राची, इस समय हम उन्नाव में मौजूद हैं और उन्नाव की अगर बात कर ले तो साक्षी महाराज अपनी जीत की हैट्रिक को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और सीधे जो उन्नाव के लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन एक दो मुद्दे प्राची ऐसे हैं जिनको कि मैं पहले ही बताना चाहूंगा। एक तो है महिला सुरक्षा का और दूसरा है विकास का, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं कि वाकई में महिला सुरक्षा का मुद्दा और विकास का मुद्दा उन्नाव के चुनाव पर कहीं ना कहीं हावी है। अपना नाम बताइए। सलमान शेख। सलमान भाई, आप बताइए कि जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको देख करके आप लोग वोट कर रहे हैं, अपने बूथ पे पहला वोट आपने किया है? देखिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा जरूर ले रहे हैं, और चूंकि अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे छोटे मोटे चीज़ें यहाँ की है वो नगर पालिका नगर निकाय चुनाव में ज़्यादा हावी रहते हैं। ये पूरा का पूरा जो चुनाव है वो नेशनल लेवल पे चल रहा है। साक्षी महाराज खुद इस बात को समझते हैं, इस चीज़ को, लेकिन यही वजह है कि उन्होंने तीन तीन बार यहाँ के मुख्यमंत्री को बुलाया अपनी मीटिंग करने
निकली है। वोटर्स क्या समझते हैं, वोटर्स की निगाह में क्या चल रहा है उन्नाव में? वोटर्स की निगाह, वोटर्स विकास तो चाहता है, लेकिन लास्ट टाइम पे जिस तरह से जब योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर मीटिंग हुई है तो कहीं ना कहीं एक पोलराइजेशन जरूर हुआ है और लोग चाहते हैं कि हम इसको नेशनल लेवल मुद्दे लेकर चले। तो विकास की तो मुद्दा है ये, महिला सुरक्षा बात है उसमें थोड़ा बहुत अंकुश लगा है उन्नाव में, लेकिन कानून व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो बेहतर हुई, पहले से बेहतर हुई कानून व्यवस्था, लेकिन अभी बहुत कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर लोग नाराज जरूर हैं, पर वोटिंग जो कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे ही कर रहे हैं। नाराजगी हो सकती है कुछ लेवल पे, लेकिन जो वोटिंग हो रही है वो नेशनल लेवल के हिसाब से हो रही है। आप अपना नाम बताइए। अखिलेश तिवारी। अखिलेश जी, आप बताइए कि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो किस हिसाब से चल रहे हैं और वोटर्स जो हैं वोट करने से पहले किन बातों को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं? देखिए, मौलाना हसन मोहानी और विशंबल दयाल त्रिपाठी जैसे हिंदुस्तान के प्रसिद्ध नेताओं की ये जन्मभूमि है। दुर्भाग्य इस देश में कि छोटी सोच के 2014 और 2019 में किन्हीं कारणोंवश अच्छी सोच के लोगों के मतदाताओं के बटने के कारण, देखिए ये तो चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है, चुनाव लोकसभा का चुनाव है, वोटर्स जानते हैं कि उन्हें केंद्र में सरकार किसकी बनानी है और इसलिए नेशनल मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया जा रहा है। एक बार इटावा हम चल लेते हैं, वहां पर मेरी सहयोगी इला मौजूद है। इला, इटावा का हाल भी बता दीजिए जरा, वोटर्स के दिल में क्या है, कौन से मुद्दे हावी है जरा पता करिए। जी बिल्कुल प्राची, इस समय हमारी मौजूदगी के कॉलेज इटावा में है और इटावा में अभी तक हमने जितनी भी बात की तो तीन मुद्दे हमें मुख्य नजर आए। पहला मुद्दा विकास का, दूसरा मुद्दा रोजगार का और तीसरा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का। आप देखिए पोलिंग बूथ की तस्वीर है, भीड़ नजर आ रही होगी, लंबी लाइन नजर आ रही होगी, 12 बज रहे हैं और धूप बहुत तेज है, लेकिन वोटरों का जोश हमें कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाजपा ने इस बार फिर से अपने मौजूदा सांसद रामशंकर कटेरिया पर भरोसा जताया है, वहीं उनका मुकाबला है जितेंद्र दोरे से जो कि सपा से खड़े हैं और बसपा ने अपनी सीट पर सागरिका सिंह को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह सप्ता। क्या करते हो आप? हम आइसक्रीम कंपनी जॉब करते हैं। तो क्या लग रहा है, कौन सी हवा चल रही है, किसकी हवा चल रही है? मैडम, राष्ट्रहित, राम मंदिर जो मुद्दे थे, राष्ट्रहित जम्मू कश्मीर जो कहते थे हो नहीं पाएगा, मोदी जी ने एक मिनट में खत्म कर दिया। तो हमको राष्ट्र प्रभु रहता है, राष्ट्र जो हमारा चलेगा तो वो काम करेंगे। देखिए राष्ट्रहित का मुद्दा है, क्या नाम है आपका? शशांक पटेल। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। किन मुद्दों पे वोट दे रहे हो? पांच साल में कुछ बदला, कुछ काम हुआ? काफी काम हुआ है इटावा में, सब देखने लायक है। जो इससे जो पहले सरकार में नहीं हो पाया है वो इस पांच साल में सांसद करके दिखाया है। स्टेशन में जो रोपवे, जो विकलांग आदमी चल नहीं पाते थे उनके लिए रोपवे बनाए गए हैं, रोपवे से जा रहे हैं, लिफ्ट लगाई गई है, कई मुद्दे बने हैं, रेलवे लाइन के जो ब्रिज थे वो बने हैं, सारे काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सब मुद्दे चल रहे हैं। अच्छा, महिलाओं की भी काफी लंबी लाइन लगी हुई है, महिलाओं से जरूर बात करेंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि महिलाओं की भी आवाज जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो जरूरी है। क्या नाम है आपका? शिवानी। ये बताओ कौन से मुद्दों पे वोट दे रहे हो, क्या करते हो आप? भाजपा। नहीं नहीं, ये नहीं बताना है कि किसको वोट दे रहे हैं, आप किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं, क्या काम हुआ है, पांच साल में कुछ बदलाव हुआ है? तो पहली बार देने आए, पहली बार वोट देने आए। देखिए पहली बार भी महिला वोटर्स जो हैं वो वोट देने आई हैं और काफी लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है इटावा में। क्या करते हैं भैया आप? मैं शिक्षक हूँ। अच्छा, शिक्षक है, अरे वाह। तब ये बताइए, तब तो आपको पता होगा इटावा में मुद्दे क्या चल रहे हैं, क्या किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं? मुद्दे तो इटावे में ठीक है, मगर हम विदेश नीति जो हमारी इस समय है दुनिया के अंदर उससे खुश हैं, उस हिसाब से। देखिए इटावा में तो राम मंदिर का मुद्दा भी सुनाई पड़ रहा है, देशहित का मुद्दा भी सुनाई पड़ रहा है और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटर्स का मूड क्या है। अब इस बीच जो नेता हैं वो अगले चरण के चुनाव प्रचार के लिए जुटे हुए हैं। आज रायबरेली जहां से राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ गरज रहे हैं और राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो राम द्रोही हैं और जो पाकिस्तान है वही सिर्फ मोदी का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान और राम द्रोहियों के स्वर एक जैसे हैं, राहुल को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, राहुल के पाकिस्तान से क्या संबंध है। तो ये अटैक योगी आदित्यनाथ की तरफ से बोला गया है। रायबरेली में इस वक्त हुंकार भर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दो ही लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, या तो राम द्रोही और या पाकिस्तान। आप देखिए इस समय पाकिस्तान और रामद्रोहियों के स्वर एक जैसे हो गए हैं। पुलवामा में भारत के जवान शहीद हुए और उस घटना का उस समय पाकिस्तान का एक मंत्री समर्थन कर रहा था और पुलवामा के शहीदों के लिए उस समय
पाकिस्तान की आतंकी घटना का समर्थन करने वाला वह मंत्री आज कांग्रेस के रायबरेली के प्रत्याशी का समर्थन की में बयानबाजी करता है। बहनों और भाइयों, क्या राहुल गांधी के संबंध है पाकिस्तान से, मैं नहीं समझ पाया। क्या संबंध है मैं नहीं समझ पाया। रहेंगे हिंदुस्तान में, वोट मांगेंगे रायबरेली में, और उनको समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान से।